जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले शक्ति विधानसभा क्षेत्र में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके तहत शक्ति के कांति कुमार महाविद्यालय को कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा दादू जायसवाल व्यवस्था बनाने के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। लगातार पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए व्यवस्था और मरीजों को आने जाने में होने वाली समस्या को लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा जायसवाल ने और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने मांग की थी, जिस पर चरणदास महंत के जेठा के कांति कुमार कॉलेज को बनाने के लिए जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार से चर्चा भी की थी। कलेक्टर के निर्देशानुसार शक्ति के शासकीय कांति कुमार महाविद्यालय को कोविड हॉस्पिटल अब बनाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा दादू जायसवाल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कॉलेज परिसर में गंदगी फैली हुई है, जिसे देखकर तुरंत नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत साफ सफाई, पानी, शौचालय की व्यवस्था को ठीक कराया जाए। वहां रहने वाले मरीजों को कोई भी असुविधा ना हो सके, इसलिए पूरी व्यवस्था अच्छे से करी जाए। साथ ही अध्यक्ष ने मरीजों और कर्मचारियों के लिए फ्रिज, एक्वागार्ड, गीजर, वाटर कूलर फ्रिज कोविड-19 हॉस्पिटल को दान किया है, ताकि मरीज कर्मचारी को सुविधा मिल सके। हॉस्पिटल के आरम्भ होने से नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं तुरंत की, ताकि दो दिन के अंदर हॉस्पिटल को शुरू कर सके। निरीक्षण में उनके साथ नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल, गिरिधर जायसवाल सहित अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य जन प्रतिनिधि शामिल थे। कोविन केयर हॉस्पिटल बनाने के लिए कांति कुमार विद्यालय को लिया गया है, जिसका निरीक्षण करने आई हूँ। यहाँ कई असुविधाएं हैं, उनको देख कर सब सुविधा युक्त बनाया जाए, जिससे कोविन मरीज आसानी से रह सके।